साइना नेहवाल बनने के लिए परिणीति ने पहले बैडमिंटन कोर्ट में बहाया पसीना, अब करेंगी ये काम। हिंदी सिनेमा में लगातार स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्में बन रही हैं। भाग मिल्खा भाग, एमएस धोनी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों के बाद अब बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की जिंदगी पर भी बायोपिक का निर्माण चल रहा है। फिल्म में साइना का किरदार परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं। परिणीति लगातार साइना के किरदार में ढलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इसी सिलसिले में वे साइना के घर हैदराबाद जाने वाली हैं। इस बारे में बात करते हुए परिणीति ने कहा, मैं साइना बनना चाहती हूँ, इसके लिए मैं उनके घर जाकर देखना चाहती हूँ कि वे किस तरह जिंदगी जीती हैं। वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इस बार मैं उनके घर जाना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए उनकी तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहती हूँ। साइना ने मुझे वादा किया है कि उनकी माँ मुझे वैसा ही खाना बनाकर खिलाएंगी जैसा वे उन्हें खिलाती हैं। इसलिए मैं उनके घर जाकर एक दिन के लिए उनकी तरह जिंदगी जीने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। गौरतलब है कि सिल्वर स्क्रीन पर साइना की तरह दिखने और बैडमिंटन खेलने के लिए परिणीति जमकर बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रही है। इसके लिए वह परिणीति के कोच की भी मदद ले रही है। हाल में परिणीति ने बैडमिंटन प्रैक्टिस के दौरान की एक तस्वीर शेयर की थी, जिस पर कमेंट करते हुए साइना ने लिखा था, हम सभी स्क्रीन पर एक सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में तुम्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं और मैं निश्चित हूं कि तुम सही दिशा में हो। इस बायोपिक का निर्देशन अमोल गुप्ता कर रहे हैं। साइना की ये बायोपिक अगले साल सिनेमा घरों में दस्तक देगी। वहीं परिणीति की दूसरी फिल्मों की बात करें तो साइना नेहवाल की बायोपिक के अलावा परिणीति द गर्ल ऑन द ट्रेन की हिंदी रीमेक और संदीप और पिंकी फरार में भी नजर आएंगी।